नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें हरियाणा विधानसभा चुनाव की नब्बे की नब्बे सीटों पर इस वक्त मुकाबला कड़ा चल रहा है तमाम पॉलिटिकल पार्टी एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही है कि किसी तरह से वो जीत हासिल करे और हरियाणा की सत्ता के सिंहासन पर बैठने में कामयाब रहे लेकिन कौन इस सिंहासन को पाएगा और कौन इस सिंहासन से नीचे टकटकी लगाकर पूरे पांच साल तक देखता रह जाएगा ये तो हरियाणा की जनता तय करेगी लेकिन जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहा है उससे यही लग रहा है कि टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है और बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि वो 2014, 2019 की तरह 2024 में भी एक बड़ा उलट फेर करते हुए तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब होगी तो वहीं कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि 10 साल से सत्ता से दूर रहने का अब उनका इरादा नहीं है और 2024 में वो चुनाव जीतकर हरियाणा की सत्ता को एक बार फिर से पा लेंगे और इस सबके बीच स्टार प्रचारकों ने भी एक के बाद एक तूफानी चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह राहुल गांधी मायावती और तमाम बड़े चेहरे जिसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल है ये अब हरियाणा के गढ़ में उतर चुके हैं और लगातार अपने उम्मीदवारों के लिए कैंपेन कर रहे हैं इसका कितना असर कहां किस वोटर पर होगा यह तो खैर आठ तारीख को साफ हो जाएगा लेकिन इस सबके बीच रिपोर्टर जी लगातार आपके लिए हरियाणा की अलग अलग विधानसभा के जातिगत समीकरण से लेकर वहां जीत और हार की दौड़ में कौन कौन आगे और कौन पीछे है यह विश्लेषण लेकर आ रहा और तो आज हम बात करेंगे रेवाड़ी जिले की बावल विधानसभा का तो आखिरकार बावल विधानसभा पर कौन बाजी मारने में कामयाब होगा इस बार की बात करें तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को बदला है तो वहीं कांग्रेस ने अपने 2019 वाले ही उम्मीदवार के ऊपर भरोसा जताते हुए उन्हें 2024 के विधानसभा चुनाव में उतारा है खास बात ये है कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 17 जो आरक्षित सीटें हैं उन्हीं में से एक बावल की विधानसभा सीट भी है और अब ऐसे में इस सीट पर जीत कौन हासिल करेगा क्योंकि अगर 2019 की बात करें तो डॉक्टर एम एल रंगा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो बीजेपी के उम्मीदवार बनवारी लाल से हार गए थे लेकिन इस बार बीजेपी ने बनवारी लाल का टिकट काटकर डॉक्टर कृष्ण कुमार को चुनाव के मैदान में उतारा है तो क्या डॉक्टर कृष्ण कुमार दो की ही तरह बीजेपी के लिए कुछ बड़ा करते हुए ये सीट दिलाने में कामयाब होंगे क्योंकि अब जो ये मुकाबला है वो इन दोनों ही उम्मीदवारों के बीच देखने को मिल रहा है और इन्हीं में से कोई एक यहां पर जीत हासिल करने में कामयाब होगा और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस सीट से जो वोटर है वो किसे अपना विधायक चुनेंगे किसे अपना विधायक बनाकर चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे तो एक एक कर पहले बात कर लेते हैं दोनों ही उम्मीदवारों की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है और उसके बाद बात करेंगे कि यहाँ का जातिगत समीकरण किस दिशा में जा रहा है और दोनों ही इन उम्मीदवारों को कौन कौन सी जातियों के वोटों को साधना होगा तब जाके ये जीत हासिल करेंगे बाकी यहाँ एक और बात बता दें कि इनके अलावा भी कई और उम्मीदवार चुनाव के मैदान में है और चुनाव में कौन बाजी को पलटते हुए जीत हासिल कर ले ये कहना बड़ा मुश्किल है यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं दोनों के आजू बाजू ये पूरा का पूरा चुनाव घूम रहा है कोई और भी यहां बाजी मार सकता है इस तरह के उदाहरण बहुत सारे पीछे देखने को मिलते रहे लेकिन खैर बात करते हैं डॉक्टर डॉक्टर एम एल रंगा की डॉक्टर एम एल रंगा ने दो में इनेलो की टिकट से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल कर वो इन सरकार में मंत्री बने थे उसके बाद 2019 के विधानसभा में कांग्रेस की टिकट से बावल से चुनाव लड़ा लेकिन कड़े मुकाबले में ये हार गए यहां से बीजेपी के उम्मीदवार बनवारी लाल ने इनको हराया और वो जीत कर मनोहर लाल खट्टर सरकार में मंत्री भी बने लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया और डॉक्टर कृष्ण कुमार को चुनाव के मैदान में उतारा है डॉक्टर कृष्ण कुमार की बात करें तो इन्हें राजनीतिक अनुभव नहीं है डॉक्टर किशन कुमार इन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट के निदेशक यानी कि डायरेक्टर के पद से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद बीजेपी ने उन्हें चुनाव के मैदान में खड़ा किया है डॉक्टर कृष्ण कुमार को राव इंद्रजीत का करीबी माना जाता है और ये माना जा रहा है कि उन्हीं की पैरवी पर उन्हें टिकट दी थी तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके साथ से वो जीत की तरफ बढ़ सकते ये उम्मीद उन्हें बीजेपी को राविंदर जीत को भी है तो डॉक्टर किशन कुमार का ये पहला विधानसभा चुनाव है और ऐसे में वो एम एल रंगा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्हें कितनी बड़ी टक्कर देने में कामयाब रहते हैं इस सबके बीच अगर बात करें कुल वोट बावल में कुल वोट है दो लाख चौबीस हजार छियासठ इसमें कुछ ज्यादा और कम हो सकता है लेकिन तकरीबन दो लाख चौबीस हजार छियासठ वोट बावल विधानसभा में है और इन्हीं वोटों में से एक बड़ा नंबर इन उम्मीदवारों को अपने हिस्से में लाना होगा उसी के बाद वो जीत पाएंगे वरना उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ेगा अब अगर इन्हें जातियों में बांट दे तो कुछ इस तरह की तस्वीर बावल विधानसभा की देखने को मिलेगी बावल विधानसभा की दो लाख चौबीस हजार छियासठ जो वोट है वो इस तरह से जातियों के हिसाब से बट जाती है तो सबसे ज़्यादा अहिर यानी कि यादव वोट इस विधानसभा में सत्तर हजार 200 उसके बाद दलित वोटर्स हैं इकतालीस तीसरे नंबर पर जाट वोटर आते हैं बत्तीस हजार बीस गुजर वोटर की बात करें तो सत्रह हजार सात सौ राजपूतों की संख्या भी कम नहीं है सत्रह हजार एक सौ पैंतालीस उसके बाद ब्राह्मण वोटर्स हैं सोलह हजार पांच सौ दस और बाकी तमाम जो जातियों की बात कर लें वो आ जाती है अन्य में इनकी संख्या बनती है अट्ठाईस हजार नौ सौ सत्ताईस अब यहां थोड़ा जातिगत तरीके से समझते हैं कि कहा कौन कितनी वोटें किस जाति से निकालने में कामयाब हो सकता है जिसकी वो उम्मीद रख रहे हैं तो आपको बता दें कि अहिर यानी कि यादव वोट सबसे ज्यादा है सत्तर हजार दो सौ और राव इंद्रजीत का इस इलाके में काफी प्रभाव है तो ऐसे में डॉक्टर कृष्णलाल को उम्मीद है कि ये जो वोट बैंक है इसका एक बड़ा हिस्सा उनकी तरफ शिफ्ट कर सकता है जिसका फायदा इन्हें होगा बाकी इसके बाद दलित वोटर्स हैं जिनके बटने की पूरी पूरी संभावना है लोकसभा 2024 में दलित और जाट वोटर्स कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए थे लेकिन चूंकि दोनों ही दलित नेता है तो ऐसे में ऐसी संभावना कम है कि कांग्रेस के साथ ही सारे के सारे दलित वोटर्स जाए डॉक्टर कृष्ण कुमार भी कुछ वोटर्स अपने साथ लाने में कामयाब हो सकते हैं लेकिन जाट की बात करें तो यह एक बड़ा नंबर है बत्तीस हजार बीस और जहां तक अभी तक की पूरी संभावनाएं जो दिख रही है जाट वोटर बटने की इच्छा बिल्कुल नहीं रखे हुए है यहां जो एक पूरे हरियाणा में है कि जाट वोटर कांग्रेस की तरफ ही जाएगा तो ये वाला जो नंबर है यह बड़ी टेंशन बीजेपी के लिए यहां पैदा करने वाला नजर आ रहा है इसके अलावा बाकी जो जातियां हैं वहां से भी दोनों को वोट मिलने की पूरी पूरी संभावना है किसके पास कितनी आएगी ये तो खैर आठ तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी लेकिन फिलहाल की स्थिति यहां पर बावल विधानसभा की यह है इस सबके बीच आपको क्या लगता है इन दोनों उम्मीदवारों में से कौन होगा जो बावल विधानसभा से बाजी मारने में कामयाब होगा यहां से जीतने में कामयाब होगा डॉक्टर एम एल रंगा या फिर डॉक्टर कृष्ण कुमार हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट्स तो जरूर करें नमस्कार